अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीलो सेकंड थ्योरम। सबसे पहले हम सीलो सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट जो है इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम इसका प्रूफ जो है स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सीलो सेकंड थ्योरम। सीलो सेकंड थ्योरम, राइट। सीलो सेकंड थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास? स्टेटमेंट स्टेटमेंट एनी टू सीलो एनी टू सीलो पी सब ग्रुप, एनी टू सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन जी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एनी टू सीलो पी सब ग्रुप जो हैं ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन जी, के दो हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं एक ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के अंदर, राइट। सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है इसको समझेंगे कि हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप क्या होता है और कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है, फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप, राइट। सीलो पी सब ग्रुप जो है क्या है, लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट पी जो है बी आ प्राइम नंबर्स, पी हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर है, सच दैट पी पावर के डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, बट पी पावर के प्लस वन डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, राइट। कि हमारे पास पी पावर के जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो, लेकिन पी पावर के प्लस वन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, देन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी पावर के इन जी इज कॉल्ड सीलो पी सब ग्रुप, राइट। उसको किसका नाम देंगे? सीलो पी सब ग्रुप का नाम देंगे। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट हमारे पास, लेट कर लेते हैं हमारे पास पी एक हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, सच दैट पी पावर के जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, बट पी पावर के प्लस वन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो देन हमारे पास अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी पावर के, यानी कि इस जो हमारे पास पी पावर के है इस ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा जो कि क्या होगा, सीलो पी सब ग्रुप होगा, जिसको हम किसका नाम देंगे, सीलो पी सब ग्रुप का नाम देंगे। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है सीलो पी सब ग्रुप की। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट, उसको देखते हैं स्टूडेंट। कॉन्जुगेट सब ग्रुप,
राइट, कंजुगेट सब ग्रुप जो है वो क्या है, लेट कर लेते हैं हमारे पास एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर कॉल्ड कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज इक्वल टू जी के जी इनवर्स फॉर समल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट डेफिनेशन है इसकी कंजुगेट सब ग्रुप्स की। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एच और के जो है हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं, टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर कॉल्ड, ठीक है, इन दो सब ग्रुप को हम किसका नाम देंगे, कंजुगेट सब ग्रुप का नाम देंगे किसके अंदर, ऑफ जी का, यानी कि जो हमारे पास ग्रुप जी है उसका हम क्या नाम देंगे, कंजुगेट सब ग्रुप का, इफ अगर हमारे एच जो है जी के जी इनवर्स जो है फॉर सम जो है समल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास डेफिनेशन है कंजुगेट सब ग्रुप की। अब हम इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं। प्रूफ, प्रूफ के लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट एच एंड के बी टू सीलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास एच और के जो है वो हमारे पास क्या है, दो सीलो पी सब ग्रुप हैं किसके, ग्रुप जी के, राइट। उसके साथ लेट कर लेते हैं एन बी द बी दी हाईएस्ट पावर ऑफ पी, ठीक है, वेयर पी इज हमारे पास प्राइम है। हम लेट कर लेते हैं कि एन जो है क्या है हमारे पास हाईएस्ट पावर है किसकी, पी की, सच दैट पी पावर एन जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी, बट पी पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, राइट। ये बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेफिनेशन यूज की है सीलो पी सब ग्रुप की। हमने लेट कर लिया कि एच और के जो है हमारे पास दो सीलो पी सब ग्रुप हैं किसके, जी के। हमने क्या किया, लेट कर लिया एन जो है हमारे पास क्या हाइस्ट पावर है ऑफ पी की, सच दे पी पावर एन जो है वो डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को, बट पी पावर एन प्लस वन जो है डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। ये बेसिकली हमने डेफिनेशन यूज किए किसकी, सीलो पी सब ग्रुप की। तो देन यहाँ से हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, देन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू पी पावर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ऑर्डर जो है हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर एच और ऑर्डर के का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा पी पावर एन के, राइट। यहां पर स्टूडेंट हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, we have to show that h is equal to g k g inverse for some
स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट। तो ये बेसिकली हम प्रूव करना चाहते हैं जो कि हमारे पास कंडीशन है किसकी, कॉन्जुगेट सब ग्रुप की, कि एच और के जो है वो आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे अगर इसके अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। हमने ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करानी है और ये प्रूव करना है कि ये दो एच और के हमारे पास क्या है, आपस में कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल पॉसिबल इट इज फॉल्स फॉल्स दैट इज एच इज नॉट इक्वल टू जी के जी इनवर्स वेयर हमारे पास स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। ये स्टूडेंट हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, दिस इज अ फॉल्स। इट मीन्स दैट एच और के जो है आपस में कॉन्जुगेट सब ग्रुप नहीं है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। लेट कर लेते इफ पॉसिबल इट इज फॉल्स दैट एच इज नॉट इक्वल टू जी के जी इनवर्स वेयर जी बिलोंग टू स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। तो यहां से हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहां से हम ये कहेंगे दिस इंप्लाई दैट एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स जो होगा वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा किसका, एच का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एच जो है यानी एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स जो है ये एक प्रॉपर सब ग्रुप हो स्टूडेंट। इसके लिए यानी कि थ्योरम के अंदर आपको प्रूव करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो डबल कोसेट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हमारे डबल कोसेट को ही हम यहाँ यूज़ करेंगे इसके प्रूफ के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एच जो होगा वो इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स जो होगा वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा किसका, एच का। एच का क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अगर प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो देन स्टूडेंट हमारे पास बाय लैग्रेंज थ्योरम देन बाय लैग्रेंज थ्योरम जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और इंडेक्स जो होता है वो डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी को, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ एच जो कि इक्वल है कि इसके पी पावर एन, ठीक है। ये किसके इक्वल है, पी पावर एन, यानी कि जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर जो है बाय लैग्रेंज थ्योरम वो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हुए हमने कहा कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाई दैट कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास पी पावर एम, वेयर एम जो है फॉर सम एम लेस देन एन, ठीक है। तो हमारे पास जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पी पावर एम होगा, वेयर पी पावर एम जो है जो हमारे पास एम है वो लेस देन है क्या है, एन से, ठीक है। सो नाउ द ऑर्डर ऑफ डबल कोसर्स जो हमारे पास होते हैं एक्स एच जी के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला है डबल कोसेट का डबल कोसेट का जो ऑर्डर है फाइंड करने का, दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डबल कोसेट्स हैं और उसका ऑर्डर हम इस फॉर्म में यानी इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर ऑफ जी एच जी के, ये बेसिकली क्या है हमारे पास है, डबल कोसेट्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स आएगा, राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ से हम कह सकते हैं स्टूडेंट, हमने ऑर्डर ऑफ एच पी पावर एन डॉट पी पावर एन डिवाइड पी पावर एम, ठीक है। यानी कि हमें पता है ऑर्डर एच का भी ऑर्डर हमारे पी पावर एन है और ऑर्डर ऑफ के जो है वो भी हमारे पास क्या, पी पावर एन है, और ऑर्डर हमारे पास एच
इंटरसेक्शन जी के जी इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या है, पी पावर एम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास पी पावर टू एन ओवर पी पावर एम आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पी पावर टू एन माइनस एम आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी पावर एन प्लस वन इंटू पी पावर एन माइनस एम माइनस वन। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वन को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस वन कर दिया, एच ऑर्डर ऑफ एच जी के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट पी पावर एन प्लस वन जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ एच जी के को, ठीक है, यानी इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ से क्या कहेंगे हम, पी पावर एन प्लस वन जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, सम ऑफ स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी ऑर्डर ऑफ एच जी के, ठीक है, यानी इसके जो ऑर्डर डबल कोसेट का सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा स्टूडेंट, ठीक, पी पावर एन। दिस इक्वेशन नंबर इज वन, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर वन आएगी स्टूडेंट। नाउ बाय डबल डीकम्पोजिशन जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट हमें डबल डीकम्पोजिशन होती क्या है, ये एक्चुअली हम किसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं, डबल कोसेट्स के अंदर। इट मीन्स दैट डबल डीकम्पोजिशन का यहाँ मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कोसेट्स होंगे, डबल कोसेट्स होंगे, वो या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो क्या होंगे, हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। इट मीन्स दैट कि अगर हम उनका यूनियन लेंगे, जो डबल कोसेट्स हैं उनका यूनियन लेंगे, हमें पूरा जो हमारे पास ग्रुप होगा जी मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप मिले जी मिलेगा। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, डबल कोसेट्स का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, एम्प्टी सेट आएगा। इट मीन्स दैट ये या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एच जी के आएगा, राइट। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, एच जी के जो है आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास है डबल कोसेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल होंगे या यानी इनका यूनियन जी के इक्वल होगा, या फिर ये हमारे पास क्या आ गए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। म्यूचुअली डिसजॉइंट इट मीन्स दैट कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहां से हम फर्दर क्या कहेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट, दिस इंप्लाई दैट ऑर्डर ऑफ जी जो होगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास यूनियन ऑफ स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, यहां से हमारे पास ऑर्डर ऑफ ये आ जाएगा एच जी के आ जाएगा, राइट। और इसको अगर स्टूडेंट हम फर्दर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक है, ये हमारे समाल जी बिलोंग कैपिटल ऑर्डर ऑफ एच जी के आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसका सम जो है हमारे पास उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन है तो इसको हम इस सम के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास ये जो अभी हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दी है उसके अंदर पुट करेंगे इसको, ठीक है। पुट इन वन, इसको हम स्टूडेंट कहाँ पुट करेंगे, वन के अंदर। दिस इंप्लाई दैट पी पावर एन प्लस वन जो है वो डिवाइड, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ये तो हमारे पास क्या आएगा, विच इज अ कंट्राडक्शन, ठीक है, कंट्राडक्शन एस पी पावर एन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी बट
पी पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कि हमने पी पावर एन जो है यहाँ पर हमने शो किया कि ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। किससे कंट्राडिक्शन, एज हमने सपोज किया था कि पी पावर एन जो है वो क्या कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, बट पी पावर एन प्लस वन जो है डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पी पावर एन जो है, पी पावर एन प्लस वन जो है डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में ये सपोज करके चले थे कि जो एच और के जो है वो क्या है, पी सिलो सब ग्रुप है। अगर पी सिलो सब ग्रुप हैं और उनका हमने देखा ऑर्डर जो है पी पावर एन है, इट मीन्स दैट कि पी पावर एन जो है वो तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन हमारे पास पी पावर एन प्लस वन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करें, तभी हम उसको एच और के को क्या कर, किसका नाम देंगे, पी सिलो सब ग्रुप का नाम देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई है कि जो हमने शो किया है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ऑर्डर को, हालांकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, पी पावर एन प्लस वन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। सो विच इज अ कंट्राडिक्शन, हेंस हम कहेंगे हेंस एच इज इक्वल टू जी के जी इनवर्स फॉर सम स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, दैट इज एच एंड के आर कॉन्जुगेट इन जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएंगे, कॉन्जुगेट होंगे इन जी के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूफ के अंदर जो मेन चीज़ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो हमने यूज़ की, वो डबल कोसेस के बारे में, डबल कोसेस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तभी आप इस प्रूफ को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये बेसिकली आज का हमारा स्टूडेंट थ्योरम था, सिलो सेकंड थ्योरम। अब हम इससे रिलेटेड एक रिमार्क्स है उसको भी हम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, रिमार्क के अंदर क्या स्टूडेंट कहा जा रहा, पी सिलो सब ग्रुप ऑफ, पी सिलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। आई स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, पी सिलो सब ग्रुप जो है ऑफ अ ग्रुप जी हमारे पास इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इट इज यूनिक। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम नॉर्मल सब ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं, हम पी सिलो सब ग्रुप से नॉर्मल सब ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट जो है क्या है, कि हमारे पास पी सिलो सब ग्रुप जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर वो यूनिक होगा, यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। ठीक है, थ्रू पी सिलो सब ग्रुप। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास जो सेकंड सिलो सेकंड थ्योरम था, ये बेसिकली एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर एग्जामिन द सिलो पी सब ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या, एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर एग्जामिन द सिलो पी सब ग्रुप को एग्जाम करने का नेसेसरी कंडीशन है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.